आप सभी मेरे दोस्तों को जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मेरा नाम है राम अधीन पंडित और आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को तिलवारा ताल बताने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, यदि आप शुरुआती से तबला सीखना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में, आप हमारे नंबर पर कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से अधिक जानकारी देकर आप ऑनलाइन तबला क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीखते हैं तिलवारा ताल। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, तिलवारा ताल जो है वो कुल 16 मात्रे के ताल हैं, यानी तिलवारा ताल में कुल 16 मात्रा होता है और 1, 5, 13, 48, 9 भी मात्रा खाली, यानी वो तीन ताल के समान है। जैसे आप तीन ताल में ताली खाली देखते होंगे, 1, 5, 13, 48, 9 भी मात्रा खाली, सेम पैटर्न आपको तिलवारा ताल में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इनके ठेके के बोल आप लिख लेंगे। बोल हैं धा तिरकिट धिन धिन, धा धा तिन तिन, ता तिरकिट तिन तिन, धा धा धिन धिन। ठीक है, तो गेस करते हैं कि आप लिख लिए होंगे। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये तिलवारा ताल, यानी है तो तीन ताल के समान, लेकिन इनके जो ठेका है ये विलंबित लय में चलता है। इसका जो, इस ठेके का जो वादन है वो विलंबित लय में चलता है। ठीक है, तो आप इसे तिलवारा ताल को आप तीन ताल का एक रूप कह सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों तिलवारा ताल में स्वतंत्र वादन की परंपरा नहीं है। ठीक है, और यह एक संपत ताल है, जो कि आपको पता है। जैसे आप तीन ताल को देखते हैं, तीन ताल एक संपत ताल है, सेम प्रकार है। ठीक है, सिर्फ इसमें सोलो वादन नहीं होता है, क्योंकि इनका एक अपना क्षेत्र नहीं है। समझ गए, तो चलिए हम लोग सीखते हैं तिलवारा ताल बजाना। उसके बाद दोस्तों हम आपको विलंबित ठेका भी बताएंगे एक और। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये विलंबित तिलवारा ताल सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए आप इसे विलंबित तिलवारा ताल भी कह सकते हैं, तिलवारा ताल। ठीक है, तो चलिए इसे देखते हैं कैसे बजाना है। स्याही और लौ के बीच में इस फिंगर को रखेंगे, ये वाला फिंगर उठा रहेगा, फर्स्ट फिंगर से चाटी पर आघात करेंगे तो ता और ना सब की आवाज आएगी, डग्गे पर बजाएंगे घे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका धा। समझ गया, धा ती रिट क्रिकेट कैसे बजाएंगे, स्याही के बीच बीच बजाएंगे ती, फर्स्ट फिंगर से ती द की त। ठीक है, धा तिरकिट धिन 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 कैसे बजाएंगे, लौ पर तीन, डग्गे पर घे, धिन धिन। समझ गए, धा तिरकिट धिन धिन। उसके बाद धा धा तिन तिन, धा धा तिन तिन कैसे बजाएंगे वो देखिए, चाटी पर ना, डग्गे पर घे, धा। समझ गए, दो बार बजाएंगे धा धा तिन तिन, तिन तिन कहाँ बजाएंगे, लौ पर तीन तिन, धा धा तिन तिन। ठीक है, धा तिरकिट धिन धिन, धा धा तिन तिन। उसके बाद बजाएंगे ता तिरकिट तिन तिन, धा धा धिन धिन। देखिए कैसे बजाएंगे, ता चाटी पर, ठीक है, ता तिरकिट स्याही के बीच में, ती फर्स्ट फिंगर से रह की त, ती र की त। ठीक है, ता तिरकिट फिर तिन तिन, तिन तिन कहाँ जाएंगे, लो पर तिन तिन, यहाँ। समझ गए, उसके बाद धा धा चाटी बना रह गए पे, धा दो बार बजाएंगे, धा धा दो बार जो धा बजाएंगे उसमें आपको एक काम करना है, इस दोनों को एक साथ यानी कि बेरा बारिशी से पटकना है, पहली धा पर ये, दूसरी धा पर ये, धा धा धिन धिन, लौ पर तीन रगे पे गे, धिन धिन। ठीक है, तो सारे बोल को बजाएंगे धा तिरकिट धिन धिन, धा धा तिन तिन, ता यानी इस प्रकार से आप विलंबित लय ठेका, आप तिलवारा ताल जो है ये विलंबित लय ठेका है, आप इसे बजा करके, और जैसे आप सोलो वादन करते हैं तो उसमें आप किसी कायदा और पलटा को बजा सकते हैं। जैसे हम आपको बजा करके सुना देते हैं, देखिए, धा धा तीर कित, धा धा
ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे बजाएंगे। तो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, यदि तबले से रिलेटेड आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, यदि आप शुरुआती से तबला सीखना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में, आप हमारे नंबर पर कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से अधिक जानकारी देकर आप ऑनलाइन तबला क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों हम आपसे एक बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट बात कहना चाहते हैं कि आप देख रहे होंगे कि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है। ठीक है, तो इसके कारण आपके हैंड से पसीना आ रहा होगा, और ये बहुत सारे लोगों का कमेंट अभी हमारे पास आ रहा है कि सर हैंड में पसीना आ रहा है, इसके लिए क्या करें। तो दोस्तों इसके लिए आप एक काम करें, आप पाउडर का इस्तेमाल ज़रूर करें। ठीक है, यानी पाउडर का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि आपके जो हैंड में पसीना आ रहा है वो सूख जाएगा। ठीक है, और फिर आप तबला बजा सकते हैं। ठीक है, तो पाउडर का इस्तेमाल करें, उससे क्या होगा कि आपका जो ये तबले का जो स्याही है ये ख़त्म नहीं होगा, यानी ये स्याही नहीं हटेगा। ठीक है, यदि आप इस पर बिना पाउडर इस्तेमाल किए हुए आप बजाते हैं तो आपका ये स्याही हटने का डर रहेगा, ये स्याही हट जाएगा। ठीक है, फिर इससे क्या होगा कि आपके तबले का साउंड ख़राब हो जाएगा और आप अच्छे से तबला नहीं प्ले कर पाएंगे, क्योंकि जब तबला का साउंड ही नहीं अच्छा रहेगा तो फिर बजाने में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों आप पाउडर का इस्तेमाल ज़रूर करें। ठीक है, और एक बात और, तबला को ज़्यादा गर्मी में चढ़ा करके ना रखें, क्योंकि प्रचंड गर्मी पड़ रही है, तबला फटने का डर रहेगा। ठीक है, तबला को ज़्यादातर दूसरी में रखें। ठीक है, तीसरी में यदि आप बजाते हैं तो बजाएं। ठीक है, उसके बाद क्या करें आप उसे उतार दें। ठीक है, ज़्यादातर आप दूसरी में बजाएं या पहली में बजाएं वो ठीक है, लेकिन मैं ज़्यादातर क्या कहूँ दूसरी तक आप बजाएं। ठीक है, दूसरे में भी आप जब बजा लेते हैं तो तबला को उतार करके रखें, क्योंकि ऐसा ही मेरे साथ हुआ है, मैं तबला को चढ़ा करके रखा था और मेरा तबला फूट गया। ठीक है, वो फूटा कैसे, तो गर्मी के कारण, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ा और मैं तबला चढ़ाई छोड़ दिया, उसके कारण ये जो है किनारी के जो भाग हैं वो खसक गया, यानी कि वो बद्दी यहाँ से ये टूट गया इसका। ठीक है, पूरी समझे, यहाँ से फट गया हुआ है, ये जो किनारी देख रहे हैं ना इसके ये वाला भाग नीचे से समझे, तो ये गर्मी के कारण और जो पश्चिम से जो हवाएं चलती हैं ठीक है उसके कारण भी। तो चलिए, कैसा लगा ये हमारा समझाना आप हमें कॉमेंट में बताएँ। ठीक है, और चलिए हम एक बार तिलवाड़ा ताल आपको बजा करके सुना देते हैं, देखिए कैसे बताएँ। धा धा।
दोस्तों अभी ये हमने जो बजाया ये भी विलंबित ही ठेका था। तो इनके बोल क्या है, इनके बोल हैं धा त्रिकिट धिन त्रिकिट धिन धिन धा तट्टे धा त्रिकिट धिन त्रिकिट धिन धिन धा तट्टे धा के तट्टे तिन त्रिकिट तिन तिन ता तट्टे धा त्रिकिट धिन धिन धा। समझ गए? तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। और आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तबले से रिलेटेड तो आप हमसे ज़रूर पूछें, ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत। और दोस्तों आप शुरुआती से तबला सीखना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप हमारे नंबर पर कॉल के माध्यम से व्हाट्सएप के माध्यम से अधिक जानकारी देकर आप ऑनलाइन तबला क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ आप शुरुआती से तबला सीखना चाहते हैं सीख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों यदि आपको सर्टिफिकेट लेना हो तब म्यूजिक का, जैसे यहाँ मैं प्रयाग संगीत समिति से सर्टिफिकेट उपलब्ध करवा देता हूँ, ठीक है। तो यदि आपको सर्टिफिकेट भी लेना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।